पुराण में अरुंधति, स्वतंत्रता समर जैसी कई रानी, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती जैसी वीर महिलाओं का इतिहास इस देश को मिला है, ऐसा प्रतिपादन महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने किया। सोमवार को महिला दिवस के अवसर पर मनपा मुख्यालय में महापौर के हाथों महिलाओं का सत्कार किया गया। इस समय दिव्यांगों को साइकिल भी वितरित की गई। समाज विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न योजना अंतर्गत दिव्यांग महिलाओं को बैटरी मोटराइज ट्राईसाइकिल और महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण भी महापौर के हाथों किया गया। अंजू सुहागपुरी, चांदनी कामली, नितिन कुकड़े, अमीना परवीन, फयाजुद्दीन को ट्राईसाइकिल तथा प्रीति बावनी, रेखा चौधरी, आसमा कौसर, अब्दुल रफीर, रेणुका बुकारे, फातिमा शेख को सिलाई मशीन वितरित की गयी। की ओर से विश्व महिला दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नागपुर शहर की हमारी वो विदुषियाँ जिन्होंने कोरोना के कार्यकाल में अच्छा काम किया और सामाजिक जीवन में अच्छा काम करें उनका सत्कार किया। विशेष रूप से पुलिस विभाग से विनीता साहू मैडम का हमने सत्कार किया। एक नेगी मैडम है जो महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं, उनका सत्कार किया। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली हमारी बहन सुरभि जायसवाल का हमने सत्कार किया। महानगर पालिका के हमारे तीन का चार कर्मचारी, हमारी उपायुक्त लाड़े मैडम, उन्होंने जो नागपुर शहर में बाहर से आए हुए, जिसे हम कहेंगे कि मजदूर थे, उनके निवास की, भोजन की, उनके वापस घर भेजने की व्यवस्था की। मीनाक्षी माने मैडम ने सतरंजीपुरा जोन में विपरीत वातावरण में काम किया। हमारी मीनाक्षी सिंह मैडम ने वाजपोली क्वारंटाइन सेंटर में बहुत अच्छे से काम किया। ऐसा विपरीत वातावरण में अच्छा काम करने वाली हमारी विदेशी महिलाओं का हमने सत्कार किया। साथ ही साथ हैं हमारी पांच दिव्यांग हमारी जो बहनें हैं, इन्हें ट्राइसिकल दे करके, ऑटोमाइज ट्राइसिकल दे करके उनका हमने सत्कार किया। समाज विकास विभाग सरकार की योजनाओं का महिलाओं का लाभ देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही विशेष आयोजन किया जा रहा है। महिला व बाल कल्याण समिति की ओर से हर वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। त्यानिमित्ताने समाज कल्याण विभागातर्फे आपल्या गरजू महिलांना शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात आले, तसंच दिव्यांगांना ट्रायसिकलचे वाटप करण्यात आले। आणि या जागतिक महिला दिनाच्या प्रसंगी आज शहरामध्ये ज्या महिला आहे त्या समाजामध्ये कोविड या काळामध्ये ज्यांनी कार्य केलं, अशा डॉक्टर आणि आपल्या शहरात काम करणाऱ्या IPS विनीता शाहू आणि स्मार्ट सिटीच्या भानुप्रिया ठाकूर अशा आणि आपल्या नागपूर महानगरपालिकेच्या उपायुक्तांनी आता निगम सचिव असलेल्या लाडे मॅडम यांनी कोविड या काळामध्ये जे नागपूर शहराच्या बाहेरनं जे आलेले होते त्यांच्यासाठी देखील त्यांनी काम केलं। या सर्वांच्या महिलांचा आदरपण सत्कार केलेला आहे। आपल्या नागपूर नगरीचे माननीय महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या नेतृत्वात हा आज कार्यक्रम पार पडला आहे। आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। उन्होंने कहा कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर से भाषण की शुरुआत कर पूरे विश्व को जीत लिया था। उनके बोलने में से स्त्रियों के हुए सम्मान ने भारत की संस्कृति को दर्शाया था। इस देश में महिलाओं के सम्मान की परंपरा है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं भी कम नहीं है। समाज में स्त्रियों के प्रति मन को प्रवर्तित करने का काम भी स्त्रियों ने ही किया है। देश की सीमा पर शत्रु से रक्षण करने वाली स्त्री वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मनपा ने भी शहर की एकमात्र महिला सांसद अनुसुईयाबाई काले के नाम से प्रत्येक जोन में समुपदेशन केंद्र की शुरुआत की। कन्याजन के सम्मान के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।